अब छाते चीड़ कर भारत माता की जय बोलना बहुत भारी पड़ गया। ढंग से वंदे मातरम ज्ञात नहीं होगा। यह उन्हें बताओगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था। लेकिन कहा बता, तलवार लेकर नाचेंगे भैया, भगवा ध्वज लहरा कर नाचेंगे। बाप का सब तलवार छूट जाता तो जो चड्ढा पहने दादा देख रहे थे उनकी नाक कट जाती, वो सुपनखा बन जाते, फिर देखते रह जाते। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जमत के टिकेंद्रगर थाना क्षेत्र का मामला, चावर बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस निकाल दिया गया, रैली निकाल दी गई और जमकर देख लो भैया डीजे पर ठमक ठमक कर नाच रहे थे सारे नौजवान लड़के रहे होंगे। इतने मगध पुलिस एक्शन में आती है, छह लोग उठा लेती है यानी हिरासत में ले लेती है। और मामले की जानकारी बाराबंकी जमत के अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी मनोज पांडे स्वयं दे रहे हैं, सुनिए जरा। कल दिनांक 17/5/22 को बाराबंकी जनपद के टिकैत नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इचौली कस्बे में शाम को लगभग 6:30 बजे के आसपास 20-25 व्यक्तियों ने धार्मिक जुलूस निकालने का प्रयास किया गया, जिसकी पहले से कोई अनुमति नहीं थी और इस तरह से उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की। इस सूचना पर तत्काल टिकैत नगर पुलिस मौके पर पहुंची और 6 लोगों को हिरासत में लिया और अन्य लोग जो वहाँ से भाग गए थे सबके खिलाफ उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया, डीजे को जब्त कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है, कानून व्यवस्था की या विधि संबंधी कोई ऐसी समस्या नहीं, शांति व्यवस्था कायम। टिकैत नगर के संवाद सूत्र बताते हैं कि देखो समय देखो 16 से 17 साल की उम्र है लड़कों की, कोई कोई 18 या 20-25 साल के भी रहे होंगे। इनको आधा ज्यादा पता ही नहीं था कि बिना अनुमति नहीं निकाली जाती है जुलूस। लेकिन कहा बता, सोचा बीजेपी सरकार बड़ा मंगल का दिन है तो जुलूस निकाल दिया। लेकिन इनको कहा बता था कि कानून सबके लिए बराबर होता है, एक होता है। अब बकायदा भुगत रहे हैं, डीजे भी भैया जब्त कर लिया गया, 6 लोग को हिरासत में लिया गया और बकायदा पुलिस एक्शन में दिख रही है। पर फिलहाल टिकैत नगर की लाता सावधानी, खबर से मिलेगी तो वीडियो को शेयर करा लो और चैनल सब्सक्राइब करना खत्म मत भूलना।